आशा दुबे इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के विद्यापति नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी, अमल संघ और झारखंड बंगो भाषी समन्वय समिति की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर के माध्यम से उपस्थित गणमान्य लोगों ने देश के लिए प्राण निछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसके उपरांत समिति के सदस्यों सहित काफी संख्या में स्थानीय वासियों ने भी अपनी कीमती रक्त को दान किया। समिति द्वारा 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था, जिसे ब्लड बैंक के माध्यम से थैलेसीमिया और कैंसर पीड़ित मरीजों में को रक्त प्रदान की जाएगी। जी बताइए क्या कार्यक्रम हो रहा है? ये 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों को श्रद्धांजलि एवं उन्हीं के याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें फ्रेंड्स यूनिटी विद्यापति नगर, टाटा फाउंड्री कॉलोनी, अमल संघ सिद्धगोड़ा और झारखंड बंगावासी समन्वय समिति का संयुक्त तत्वावधान में आज का यह कार्यक्रम है। इसमें सुबह 10 बजे हमारे आज के मुख्य अतिथि विद्युत वरण महतो जी, आदरणीय सांसद जी मौजूद थे और हमारे झारखंड बंगावासी समन्वय समिति के अध्यक्ष विकास मुखर्जी जी मौजूद थे और साथ ही यहाँ के गणमान्य लोग। कितना रक्त संग्रह का लक्ष्य है? रक्त संग्रह का लोग हम लोग का जो लक्ष्य है वो 100 का है। इसका कहाँ उपयोग करेंगे? ब्लड बैंक में जाएगा इसमें, और जो हम लोग का जो मतलब ब्लड बैंक से यहाँ पे हम लोग का जो मतलब अगर हम 100 बोतल का डोनेट करते हैं तो 50 बोतल तो थैलेसीमिया पेशेंट और कैंसर पेशेंट के लिए चले जाते हैं और 50% का जो है वो हम लोग को कभी भी जरूरत पड़ता है। मान लीजिए संस्था के थ्रू से किसी को भी अगर रक्त का जरूरत है तो हम लोग उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको यहाँ से मिलेगा। अपना नाम और पता? मेरा नाम हुआ संदीप सिन्हा चौधरी, मैं झारखंड बंगावासी समन्वय समिति और अमल संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये है रंजीत कुमार मित्रा, ये फ्रेंड्स यूनिटी का सेक्रेटरी। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।